वर्स्ट माइनक्राफ्ट सीड। ये सीड कुछ ऐसी होती है कि जिनके अंदर हम गलती से भी स्पून हो जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा गलत जगह पर जा सकते हैं। तो लेट्स गो गाइस। तो आपको सीड स्क्रीन पर देख रही होगी एंड इस सीड के अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा दिखता है यार, लुक एट दिस गाइस, कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ तो बहुत ज्यादा ही डीपली हमें ये स्ट्रक्चर मिला है एंड अभी मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ। ऊपर आने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा पीसफुली है एंड ये शायद ही आपने कभी भी नहीं देखा होगा। अभी मैं पूरा नीचे का व्यू दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इनसेन है यार। मैं सच में बता रहा हूँ, ये ऐसी सीड मैंने आज तक नहीं देखी है। इसके अभी मैं एक चीज चेक करने वाला हूँ, जो ये चेस्ट है इनके अंदर क्या होने वाला है। तो इनके अंदर अबे आयरन की लैगीज है जिसके ऊपर प्रोटेक्टाइल प्रोटेक्शन फोल्ड लगी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बट अब वेट, वार्डन आ भी चुका है यार इतनी जल्दी। मैं तो क्रिएटिव ना हूँ, आवाज भी नहीं करी, बट कोई नहीं। सच में ये वाली सीड बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। बट अभी तो ये स्टार्टिंग थी, मेरी दो सीड और बची हुई हैं, उन्हें देखता हूँ। तो आपको सेकंड सीड स्क्रीन पर दिख रही होगी एंड इस सीड के अंदर आते ही जगह पे स्पोन मिल जाएगा और उसके बिल्कुल नीचे जाके हमें एक बेडरॉक टूटा हुआ मिलता है जो कि सच में बहुत ज्यादा इनसेन एंड ब्रोकन सीड है। लेट्स गो। तो वेट, दिस इज नॉट रियल। मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा इसके अंदर, तो यार एंड ये पॉसिबल ही नहीं है यार, इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है। अभी मैं स्पेक्टेटर मोड के अंदर हूँ जब भी मैं इतनी जल्दी से देख पाया हूँ, बट यार मुझे रियल नहीं लग रहा है क्योंकि एक ब्लॉक भी नहीं टूटा हुआ, ये इतने सारे ब्लॉक टूटे हुए हैं, पूरा होल सा हो रखा है। सीड आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रही होगी, इसे ट्राई करना। और अभी चलते हैं अपनी लास्ट सीड के अंदर एंड उसे भी बस्ट करके आते हैं। बस्ट तो नहीं, देखते हैं, वो कंफर्म रहते हैं बस्ट। तो गाइस आपको लास्ट सीड स्क्रीन पर दिख रही होगी एंड इस सीड के अंदर आते ही हम इस बायोम के अंदर स्पोन हो जाते हैं इस जगह पे एंड हमें सामने देखना है और हमें सामने कुछ ऐसा विलेज मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये बिल्कुल यार पानी के बीच और माउंटेन के पास बना हुआ है और माउंटेन से भी एक छोटा सा वाटरफॉल हो रहा है यार जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड सच में यार ये विलेज बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इस विलेज के अंदर रहने लग जाऊं। बिल्कुल यार माउंटेन के ऊपर इसके घर बने हुए हैं, और माउंटेन के ऊपर बने हुए हैं विलेजर्स के, कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। पीसफुल वाइब आ रही है इधर तो बिल्कुल। और बहुत ज्यादा बड़ा विलेज है, छोटा विलेज भी नहीं है यार, बहुत ज्यादा ही बड़ा विलेज है। और देखने में तो यार इनसेन, सच बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे तो। एंड मेरा तो मन कर रहा है इसके अंदर रहने का एंड मुझे लग रहा है कि मैं इसके अंदर रहना भी चालू कर दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो कि मैं इस विलेज के अंदर रहूं और कुछ ना कुछ चैलेंज करूं, तो यार वीडियो को सपोर्ट करना एंड कमेंट करके बताना यार प्लीज़, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है इस विलेज के अंदर रहने का। देखने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार। तो यार गाइस आज की वीडियो से इतना ही एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।